लगने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज़ सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे भाई सॉरी सॉरी सॉरी, असल में वहां पे जरा गर्मा गर्म डील चल रही थी। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा कि डब्बे के दूध जो होता है वो अक्सर व्हाइट आप समझते हैं, लेकिन वो व्हाइट नहीं होता, ऑफ व्हाइट होता है। अगर आपने सच्चा और असल मिल्क देखना हो तो ये देखें, प्योर व्हाइट मिल्क यानी सच्चो मिल्क। तो सर फिर मैं 2000 कार्टन कर दूं सर? अरे सर थैंक यू वेरी मच सर, सर डील डन सर डन, ओके बॉस। मजा आ गया जानी। जी 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 मैडम जी, 10 बज गए, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं लेके आए हो? मैडम ऑफिस के काम कर रहा था, आज फिर कमाल कर दिया मैंने। तुम्हारे इस कमाल के चक्कर में चूहे मेरे पेट में धमाल डाल रहे हैं, जाओ जाकर नाश्ता लेकर आओ। हाथ हो गई, कोई इज्जत ही नहीं, आज फिर पूरे 2000 कार्टन भेज दिए। अच्छा 2000, 1000, 2000, कभी कोई अच्छी डील भी ले आया करो। इन आधे कपड़ों में और मुकम्मल जाहिल खानदान में रह के ये भेज देता हूँ, बड़ी बात नहीं है? जाहिल किसको कहा तुमने? तो मैडम आपको थोड़ी कह सकता हूँ, आप तो माशाल्लाह पूरे खानदान में पढ़ी लिखी खातून लगती हैं, और बच्चू भाई वो तो मास्टर इन गवाल जी हैं। मैं जरीना की बात कर रहा था, मुकम्मल जाहिल है। हाँ सही कह रहे। अच्छा जाओ ना, जाके नाश्ता लेकर आओ, भूख लगी। अच्छा ठीक है। जाने आज मेरे लिए भी पूरा हलवा लेकर आना। पूरे हलवा नहीं, हलवा पूरी। ना बाबा ना, पूरी नहीं, पूरी तो बाबा तेल वाली होती है ना, मैं खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, इसीलिए पूरे हलवे का नाश्ता करूंगी। बच्चू भाई से भी पूछ ले, कहीं आज डबल रोटी को सिंगल रोटी करके ना खाने का मूड हो। जानी बातें मत करो, जाओ जाके नाश्ता बनाओ। अच्छा अच्छा जा रहा हूँ। हाँ बेच जगह पहुंच गया, मैं बताने का क्या करने का फिर? जब किसी ने आना तो उसको सलाम करने का, सलाम नहीं करने का तो फिर मैं स्लैप देने का। अरे पापा जानी अब जाते इतनी मुश्किलों से, हर वक्त तो आए हुए होते हैं। सब बात का चौड़ने का, मेरा बेटी किधर गुम होने का? अरे पापा जानी आप क्या उसे गुंडों से छुड़ाने आए हैं जो ऐसे पूछ रहे हैं? फसाया मैंने ना, अब मैं छुड़ाने आएगा, कैसे हो सकता है? अरे पापा जानी छोड़े सब बातों को, आए बैठे मेरे साथ चाय पिए। शाबाश, यानी हम यहाँ जमीन पे बैठने का, हमारे उम्र का लिहाज नहीं करने का? उम्र तो जमीन के अंदर लेटने वाली है पापा जानी। तौबा तौबा तौबा। अब मेरे सीमा जी जी डोंट वरी जी, सारी डिलीवरीज मेरा मैनेजर ही हैंडल करता है, वो आपको कॉल कर देगा जी। जी पहुंच जाएगा आपका स्टॉक, डोंट वरी। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, अल्लाह हाफिज़। मैं आ गया। पापा माशाल्लाह आप तो फिर से आ गए। बेशर्म में। वैसे पापा एक बात बताएं कि आपने मेरी शादी क्यों की थी जब बात बात पर आपको मेरे घर आना था? तो देखो बात ये ना कि मैंने सोचा था कि अगर घर में बोर हो जाऊंगा तो फिर दूसरा घर भी तो होना चाहिए ना टाइम पास करने के लिए। तो आप मेरे घर अपनी बोरियत दूर करने आए हैं? अरे मैं आज तो बहुत जरूरी काम से आने का जी, एक बहुत बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं, बहुत ही बड़े। अच्छा तो वो हमारे गेट से अंदर आ जाएंगे? साइज में नहीं, बिजनेस में और इन्वेस्टर में, बहुत बड़ा बहुत बड़ा। अच्छा तो फिर वो ना हमारा दूध का डब्बा जो है ना सप्लाई करना चाहता है इंटरनेशनल लेवल। वाओ पापा ये तो जबरदस्त हो जाएगा। लेकिन वो ना बिजनेस के ओनर से मीटिंग करना चाहता ना। इसमें कौन सा मसला है, आप क्यों इतना बुरा मुंह बना रहे हैं? मिलेंगे। ओनर ओनर यानी तुम और बच्चों दोनों। क्या बच्चों से भी? बच्चों से कैसे मिला सकते हैं, ऐसे तो डील होने से पहले खत्म हो जाएगी। यही तो मसला ना। पापा एक हल है मेरे पास। क्या है? जब तक वो नहीं आते तब तक हम जितनी इंग्लिश बच्चों को सिखा सकते हैं उतनी तो सिखा दें। इसके लिए हमारा मैनेजर है जानी। हाँ? वो बेहतर रहेगा, वो जितना उसको इंग्लिश सिखा देगा।
क्या लगना ना? मैं भी जाके जानी को बोलती हूँ। जानी जानी मुझे ऐसा लगता है ये काम ना सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अरे मैडम क्या कह रही हैं आप, इससे अच्छा आप मुझे बीन ला के दे दें। बीन? वो क्यों? बच्चू भाई के सामने बजाऊंगा, मिसाल भी पूरी हो जाएगी और अंग्रेजी सीखने वाली ख्वाहिश नहीं मैडम नहीं। ठीक है जानी, सब समझ गई। तुम चाहते ही नहीं हो ना कि हमारे बिजनेस को आगे कोई ग्रोथ मिले, है ना? तुम क्यों मेरे अदा को फरंगी बनाना चाहती हो? देखो सरीना, ये सब ना तुम्हारी सोच, तुम्हारे दिमाग से बहुत ऊपर की बात है, तुम समझ नहीं आएगी। हाँ अरे वाजे से तुम तो बहुत ऊपर हो। वो तो मैं हूँ। ऐसा करो थोड़ा सा और ऊपर हो जाओ ताकि अल्लाह साईं के पास चली जाओ, हमारी जान ही छूटे तुमसे। जरीना एक बात बताओ, तुम हमारी जान छोड़ने का क्या लोगी? जानी जानी लूंगी, तो मुझे जानी दे दो, मैं तुम्हारी जान ही छोड़ दूंगी। हाँ जानी। नहीं मैडम नहीं, आप मुझसे दूध बिकवा ले, आप मुझसे बर्तन मंजवा ले, झाड़ू पोछा भी मैं दे दूंगा, खाने भी पका लूंगा, और तो और आप कहें तो मैं भालू का तमाशा भी दिखा दूंगा, बंदर बन के भी, लेकिन इससे ज्यादा ना ना मेरे भाई ना ना ना। जानी, अरे वो जानी कहाँ जाते हो जानी? मैंने सारा बात सुन लिया जी, अब मेरे को कुछ करना पड़ेगा। वो किधर गया? वो जो बीन बजाने को बोल रहा था, शकल उसका नेवले जैसा और बीन बजाने को बोलता ना। एक बात बताने का, तुम बड़ा आदमी बनना चाहता ना? हाँ पापा, हम तो चाहते हैं हमारा कारोबार बहुत बड़े, इतना पैसे हो हमारे पास, इतना पैसे पूरी दुनिया बड़ा बन जाए। भाई इंसान ने दुनिया को कहाँ से कहाँ पहुँचाने का, तुम बड़ा बनाने का। अरे बाबा क्या कुछ ज्यादा बड़ा कारोबार हो गया क्या? नहीं, तुमने दुनिया को चोट समझ लिया, दिल लगा के अंग्रेजी सीख लो, समझने का काम बन गया। हाँ तो पापा जानी पढ़ा है ना मुझको अंग्रेजी। अच्छा सुनो, कोई तुमको बोलता है हेलो तो उसका क्या जवाब देने का? अरे बाबा ये तो मुझे मालूम है, हमको कोई बोलेगा हेलो तो हम उससे कहेगा हाँ बाबा कौन बोल रहा है? टेलीफोन वाला हेलो नहीं, वो वाला हेलो, हेलो अंग्रेजी बोलते हेलो। अरे बाबा ये क्या बात हुई, हेलो ये नहीं वो नहीं, कितने किस्म के हेलो होते हैं? हेलो एक ही किस्म का होने का। अरे तो फिर वो वाली किस्म तो हमको आती है बाबा। चलो अच्छा छोड़ने का इसको, ये बताने का अगर तुमको कोई कहता है क्या हेलो हाउ आर यू तो क्या जवाब देने का? अरे बाबा हमको कोई हाउ बोलेगा तो हम उसको बाउ बोलेगा, हम किसी से डरने वाला नहीं है। मेरा किधर जाने का, किधर जाने का? मेरा ख्याल है ये मेरे बस का बात नहीं, तुमको इसके लिए ट्यूटर ढूंढना पड़ेगा। ट्यूटर? क्यों पापा जानी, आपकी अंग्रेजी खत्म हो गई क्या? करक हो गया, खत्म हो गया अंग्रेजी, दफन हो गया ना। तुम्हें काम करने का, तुम ट्यूटर को बुलाने का, उससे सीखने का, तुमको सर का किताब भी मिलने का। खट्टा मीठा। अरे मुंजी गऊ, तेरे बच्चू ने अंग्रेजी सीख लिया बाबा। हा हा बाबा दुई दुई। बच्चू हाउ भाव डूई नहीं, हाउ आर यू डूइंग? अरे बाबा वही तो बोल रहा हूँ, हाउ भाव डूई। अरे हमें सब आता है, हमने सब सीख लिया है, तुम्हारे बाबा जानी भी यही कह रहे थे। क्या पापा जानी ने क्या कहा है? अरे उन्होंने कहा कि मुझे सर का खिताब मिलने वाला है। सर का खिताब? लेकिन क्यों? पता नहीं बाबा, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अंग्रेजी सीखने से सर के खिताब का क्या ताल्लुक। एक बात तो मुझे समझ आ गई, पापा जानी तुम्हें अंग्रेजी नहीं सिखा पाए है ना। कैसी बातें कर रही हैं आप बेगम? बच्चों मैं जानती हूँ नई जबान सीखना मुश्किल है, आसान काम नहीं है, मगर आप शर्माने की बात भी नहीं है, इंसान कोशिश करे मेहनत करे तो सीख जाता है। अरे बाबा जब शर्माना नहीं चाहिए तो फिर सीखनी क्यों चाहिए? वो कारोबार की खातिर, हमारी खातिर, मेरी खातिर? ना बाबा ना, ना ना बाबा ना। बच्चों प्लीज माय काउबॉय। अच्छा अच्छा मामा करता है कुछ? Yes, yes, don't worry, I will pay you up front, right there. Yes,
it's really urgent, so I would really hope that you're coming as soon as possible. Yes. Well, I believe the patient would need high doses of intravenous injectables. Seriously. Yeah. All right. See you. Bye-bye. Oh, shukar intezaam hua. Awaaz se to tutor angrez lag raha tha. आवाज से तो बाबा तुम भी नूर जहाँ हो लेकिन हरकतों से नूरी नत हो। अच्छा, और अपने बारे में क्या ख्याल है? आवाज से भी मौला जट और हरकतों से भी। जरा तमीज से बात करो भाजाई, मेरे साथ बदतमीजी नहीं करो। तमीज तो देखो मुझे कौन सिखा रहा है। सोच रही हूँ तुम्हें तमीज सिखाने के लिए भी ना एक ट्यूटर रखूं। स्कूटर रख दो भाई, स्कूटर का मैं क्या करूँगी? ओ गवार, स्कूटर नहीं ट्यूटर यानी उस्ताद। अगर रखना है ना मेरे लिए कुछ तो अपनी जबान को चुप रखो, यही मेरे लिए बहुत है। शुक्रिया। ए मम्मी का है बच्चों को यहाँ से जमा करो मुझे। जानी। अरे बेटा आप आ गए, आज पूरे 2000 कार्टन भेज दिए। जानी कब तक यूं ही दूध बेचते रहोगे? दूध ही बेच सकता हूँ, खुद तो दे नहीं सकता। अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब था कि कब तक यूं ही दूध के थोड़े थोड़े डब्बे बेचोगे भाई तुम? ऐसे जानी मुझे ऐसा लगता है वो वक्त दूर नहीं जब हमारी कंपनी के दूध का ब्रांड ना पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा। है वैसे बस मैं ये कहना आई थी, मेहमान आ रहे हैं ना उनके खातिर तवाज़ो में कोई कमी नहीं रहने देना। हाँ मेरी तरफ से तो कोई कमी नहीं होगी, लेकिन 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 क्या? लेकिन अंग्रेजी की कमी होगी और हिमाकतों की ज्यादती होगी। हो मैंने फैसला कर लिया है। बच्चू साहब से जान छुड़ाने का बहुत अच्छा फैसला किया, मैं तो कहता हूँ नए सिरे से जिंदगी गुजारिएगा। ओहो भाई मैंने इस मसले का हल निकालने का फैसला कर लिया, एक अंग्रेजी के ट्यूटर को बुलाया, आने वाले होंगे। अच्छा भाई मैं अभी देखता हूँ कैसे होगा। जानी कभी कोई अच्छी बात भी कर लिया करो। अभी थोड़ी देर पहले की तो थी अच्छी बात। कौन सी बात? छोड़े, अच्छा मैं जरा काम की तरफ जाता हूँ। ओके क्या बोल रहे थे? आई एम योर ट्यूटर, व्हाट्स योर नेम? अरे बाबा ये ट्यूटर क्या होता है? लुक डूड, स्पीक इन इंग्लिश ओनली। अरे बाबा डूड नहीं होता, दूध होता है बाबा, दूध हमारा खानदानी कारोबार है बाबा, दूध का। बाबा तुम्हें जो है उर्दू सही से नहीं आता, तुम हमें अंग्रेजी क्या खाक सिखाएगा? हमको उर्दू थोड़ा थोड़ा आता, लेकिन तुम हमारे साथ अंग्रेजी में बात करेगा। अरे बाबा जब तक तुमको सही से उर्दू बोलना नहीं आएगा, मेरा मतलब है आएगी, तुम हमको अंग्रेजी क्या खाक सिखाएगा? हम यहाँ उर्दू सीखने नहीं, तुमको इंग्लिश सिखाने आया। अरे तो बाबा सिखाओ ना, तुम इधर उधर की बातें क्यों करता है? आई आस्क्ड यू व्हाट इज योर नेम। अरे बाबा वट क्या कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है? वट का मतलब क्या होता है? अरे बाबा हम तुमसे यही तो पूछ रहे हैं कि वट का मतलब क्या होता है, तुम कैसा कंप्यूटर है? ओ कंप्यूटर नहीं ट्यूटर। बाबा बात तो एक ही है ना, करता तो तुम टर टर ही है। ओ माय गॉड यू आर अ सिख पर्सन। अरे बाबा हम सिख नहीं है, हम मुसलमान है, मुसलमान तुम होगा सिख। आई जस्ट सेड सिख, इसका मतलब बीमार है। अरे बाबा तुम बीमार है तो हमें पढ़ाने आया क्यों है? घर पे आराम करो, सबर करो, हम अपने नौकर से कहते हैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आए। जानी प्लीज स्टॉप। अरे बाबा बस स्टॉप से नहीं, अरे बाबा करीब की दुकान से ले आएगा। जानी लिसन, लिसन टू मी। अरे जानी इसको लेसन चाहिए बाबा। देखिए मिस्टर बच्चू, ये आपका आखिरी चांस होना इंग्लिश सीखने का। क्या होना? चांस, चांस। अरे बाबा घास तो सुना था हमने, ये चांस किस बाग में उगती है? हम उसको नहीं पढ़ा सकता, ये इम्पॉसिबल काम है हमारा। If not you, then who? समझे ना बात को, अगर आप नहीं पढ़ाएंगे तो कौन पढ़ाएगा उसको? देखिए मैं आपको समझाती हूँ, अब हमारे एक इन्वेस्टर आने वाले हैं, इंटरनेशनल लेवल के हैं, इसकी वजह से तो हमारी डील कैंसिल हो जाएगी। देखिए मैं कौन सा कह रही हूँ उसे अंग्रेजों की तरह फरफर अंग्रेजी आए, बस बेसिक बेसिक बोल ले प्लीज। बट आई कैन नॉट टेक इट ऑन माय नर्व्स, दैट सिक मैन इज गोना मेक मी गो साइकोटिक। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज गिव इट वन मोर ट्राई, लाइक आखिरी दफा प्लीज। ओके लेट मी ट्राई। थैंक यू सो मच मैडम। बाहर कोई मेहमान आए हैं। अरे तो उनको अंदर लेकर आओ ना, वही तो है। आराम से ला रहा हूँ।
वो लोग आ गए ऑलरेडी। आप प्लीज इतना कर दे कि बच्चू ना जरूरी जरूरी बेसिक जुमले बोले, बाकी मैं संभाल लूंगी। आई प्लीज 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 मोर तो टिल्ले राणा मोर तो टिल्ले बच्चू जरी ना बच्चू को देखा है कहाँ है वो मिल ही नहीं रहा। ये तुम क्या कर रही हो? रोड पे खुदाई कर रही हूँ, देख नहीं रही हो? तैयार हो रही हूँ। तुम किस खुशी में तैयार हो रही हो? तो कोई ऐसा गम बता दो जिसे सुन के उजड़ के बैठ जाऊं। ओ भाई देखो जो करना है करो, मगर जरीना देखो एक बात मेरी गौर से समझना। एक बहुत बड़े इंटरनेशनल बिजनेसमैन आए हुए हैं हमारे साथ बिजनेस डील करने, तुम बाहर मत आना कमरे से। अच्छा? अरे बाबा तुम लोगों की बात तो वैसे भी बनेगी नहीं, तुम जाहिलों के साथ वो कारोबार क्यों करेगा? कम से कम मुझे ही उसके सामने जाने दो, क्या पता वो मुझे देख के दीवाना हो जाए, मेरी जिंदगी सवर जाएगी और हम सब की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यही तो मैं चाहती हूँ। तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे भाई का घर बर्बाद हो जाए? अरे नहीं नहीं, नुकसान तो तेरा होगा ना, मेरे अदा का थोड़ी होगा। हम तो दूध का कारोबार करते हैं, दूध तो वैसे ही बिक जाएगा। तुम भूल रही हो, अदा और मैं, मेरा मतलब बच्चू और मैं बिजनेस में पार्टनर है। आदे आदे देखती हूँ मैं, मुझे उसके सामने जाने से कौन रोकता है? लगो तो मैं बहुत सोनी रही हूँ बाबा। खट्टा मीठा खट्टा मीठा। मैं सीमा जी असल में आपसे यूं मिलना चाहता था कि मीटिंग के बाद ना थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हो जाती है। बड़ा नाम सुना मैंने आपके ब्रांड का। That's very nice. तो क्या इसका ये मतलब है कि आप हमारे ब्रांड की इंटरनेशनल प्रमोशन करेंगे? Of course. That's why I'm here. Oh, wow. That's so nice of you. सीमा जी मैं अपनी टीम का इंट्रोडक्शन कराना भूल गया। He is my son और ये मेरे मैनेजर। मैनेजर से याद आया, हमारा मैनेजर केदार। मैं बुलाती हूँ। जानी इस तकल्लुक की क्या जरूरत थी? आने का आने का। ये सारा जो है ना ये मेरे नौकर ने बनाया, ये केक ये किल्लू केला सब इसे अपने हाथों से बनाया। नहीं तो सब ठीक है, लेकिन हम एक्चुअली यहाँ पर आए हैं बिजनेस मीटिंग के लिए। मेरा ख्याल है कि अपने पार्टनर को बुलवाइए, उनसे मिलवाइए ना हमें। बिल्कुल जरूर। जानी जानी बच्चों को ले आओ। अरे बाबा हमसे ये सब कुछ नहीं होता है बाबा, हम नहीं सीख सकता है। या तो तुमको अंग्रेजी नहीं आता या फिर अंग्रेजों ने सही अंग्रेजी नहीं बनाया है। आप एक काम करेगा? हाँ बाबा बोलो बोलो। जब किसी से मिलेगा तो बोलेगा हेलो, उसके बाद जवाब सुनने के बाद तुमने पूछना होता हाउ आर यू, और फिर जो कि जवाब आएगा तुमने बोलेगा मी टू, और हाँ हर बात पर यस राइट। ये सब बोलते रहना, बाकी अल्लाह मालिक है तुम्हारा। जानी आया बाबा आया। सीमा जी जब आपके घर में नौकर मौजूद है तो ये हस्बैंड को तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? अरे नहीं नहीं ये हस्बैंड नहीं है, ये मैनेजर है मेरे जानी। ये आपका मैनेजर अमीरी और गरीबी का ख्वाजा सरा बना क्यों बन रहा है? अरे ये मैनेजर ये नौकर तो आपके पार्टनर्स का है। यही ये नौकर नहीं है, यही तो पार्टनर है मेरे हस्बैंड बच्चू। हेलो हु आर यू? उससे क्या बात करो, मुझसे बात करो। आई एम हिज फादर। मी टू। थैंक यू। What is nonsense? क्या हो रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कौन नौकर है कौन मालिक है कौन मैनेजर है। आर यू फूलिंग अस अराउंड? यस यस राइट। आर यू क्रेजी? यस यस। बच्चों बच्चों देखो अब ना अंग्रेजी का एक लफ्ज और नहीं बोलना ठीक है बस। अरे बाबा हमको कौन सा शौक है अंग्रेजी बोलने का, बाहर में जाए अंग्रेजी, हमारे गोट की जबान जिंदाबाद। गोट की सब? कौन सा गोट? अरे बाबा तुम तो ऐसे पूछ रहे जैसे हमारे गोठ में रहता है। अरे हमारा ताल्लुक ना सिंध के एक मशहूर गांव तालपुर डंडो बागो से है। अरे बाबा तुम तो हमारा पड़ोसी है, तुम्हारे गोठ के बराबर जो गोठ है ना आकड़ू बाकड़ू गोठ, वो हमारा गोठ, हमारा ताल्लुक उस गोठ से। अरे हाथ मिला बाबा। अरे वाह सही वाह, ये तो मजा आ गया बाबा, अच्छा इरादा है। बाबा तो जो खीर जो मंसूबो आए ना मुझे इंटरनेशनल मशहूरी कराए जो फैसलो करे हो। वाह बाबा वाह, ये हुआ ना मुझे गोट ज्यादा। सॉरी सीमा जी
मुझे नहीं पता कि बच्चू हमारे गोट के बराबर वाले गोट का रहने वाला है। That's so nice to know. लेकिन फिर हमारी इंटरनेशनल प्रमोशन का क्या होगा? Done deal. भाई जो भी काम हम बच्चू के साथ करेंगे उसकी डील डन है। अरे बाबा इसी डील के लिए तो हमने अंग्रेजी सीखा था, तुमने देखा कमाल है बच्चू का। मैंने भी ट्राई मारा था अंग्रेजी का। अरे बाबा देखा कैसा अंग्रेजी बोला है, फौरन मान गया फौरन। अंग्रेजी बोलने की वजह से नहीं, अंग्रेजी ना बोलने की वजह से मान गया। अरे जानी तुम तो दबाओ यार, तुम क्यों रुक गया? बिल्कुल जान नहीं है तुम्हारे हाथ में सही, नाम क्या जानी है? ट्यूटर भी तो बुलाया था वो इंग्लिश लैंग्वेज वाला, वो कहाँ गया नजर ही नहीं आ रहा। हाँ बाबा वो किधर है ट्यूटर हमारा? अरे 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 बाबा बात तो सुनो बाबा, शादी की जल्दी नहीं है, थोड़ा सा टाइम ले लो। माफ करियो मुखे। हैं? ये तो इंग्लिश लैंग्वेज का ट्यूटर था, ये सिंधी बोल रहा है। बाड़ मां मंच अंग्रेजी जबान। बाबा सिंधी सिखा दिया है यार मेरा बैंड। खट्टा मीठा। It should be clear. क्या मतलब? ओ खुदाया मुझसे सवाल कम करो और काम ज्यादा करो, समझ गए तुम? अरे आंटी आपका सफर कैसा रहा? रेलगाड़ी में मजा तो आया होगा। बच्चों आंटी लंदन से आई हैं। अरे तो बाबा उधर रेलगाड़ी नहीं चलती है क्या? ये सारे काम करने के बाद जाओ बाजार, बाजार से जाकर मेरे लिए मिनरल वाटर लेकर आओ तुम, क्योंकि मैं मिनरल वाटर पीती हूँ। It should be clear. जी जाओ। पैसे हैं तुम्हारे पास हॉस्पिटल जाने के लिए? पैसों की नहीं, सुकून की जरूरत है। अरे 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 क्या हो गया तुम्हें, काम कौन करेगा भाई? खुदा ना खास्ता यहाँ कोई बुजुर्ग तो नहीं रहता? नहीं नहीं यहाँ तो बस हम लोग ही हैं। हाँ वैसे भी मुझे बुजुर्गों के घर में काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो लोग बहुत मच 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 करते रहते हैं। आपकी गाय बहुत प्यारी है, इसको चारा वगैरह नहीं डालते? अरे बाबा चारे की बात करता है, इसने कौन सा खा लेना है। तो जानी कहाँ है? जानी तो जाने की तैयारी कर रहा है। अगर जानी चला गया तो भला मेरा क्या होगा? अरे तो मैं हूँ ना आपके लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा। जोनो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी। नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा। बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा।